तो जी दोस्तों, सीधी तस्वीरें हैं। आप ये करनाल के जिला सचिवालय से है, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो और सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता दूँ कि DSP के ऑफिस पर है भाई, जो गांव वाले जो लोग हैं और जो भाई घर वाले हैं भाई, विरोध के लिए भाई पहुँचे हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई जो अभी तक है भाई, जस को न्याय नहीं मिल पाया, तो उसी को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी विरोध देखने को आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल रहा है करनाल में। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से है भाई, जस को है न्याय दिलाने के लिए है, लोग सड़कों पर उतर गए हैं। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप जितने भी साथी देख रहे हैं, साथ के साथ आप सीज कर देना। और दोस्तों, एक मामले में काफ़ी ट्विस्ट देखने को मिला है, और बताया जा रहा है कि भाई जो पहले परिवार वाले हैं भाई, ताया पे है भाई, आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने है भाई जो भाई हत्या की है जस की। और अब है दोस्तों, मामला क्या आया है कि दोस्तों, मामला ये है कि अब साक्षी पर है आरोप लगा जा रहा है, साक्षी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई जो जस की है साक्षी द्वारा उनकी हत्या की गई, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। बाकी आप तस्वीर को माध्यम से देख सकते हैं कि इस वक्त जो सीधी तस्वीर है करनाल से, जो कि जिला सचिवालय की है, यहाँ पर है जो में पहुँचे हैं और लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आगे है कि देखिए दोस्तों, क्या कुछ है वीडियो में बातें हो रही हैं, जरा आप भी जरा गौर से सुनिएगा। तो जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जस चौधरी के जो भी इसमें मुख्य आरोपी है और जो एक्चुअल में आरोपी है, उनको गिरफ्तार किया जाए। और पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा करनाल इसके साथ खड़ा है, ये कोई एक उसकी बात नहीं है। कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बिल्कुल वकील सभी साथी साथ है, बिल्कुल सभी वकील साथी साथ है, इसके लिए पूरा समाज साथ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ है। हमारे प्रधान जी ने भी आपको परसों बुला के प्रेस बाइट दिया था, और कल भी हमारी बात हुई प्रधान जी से, सब साथ है, सब एक साथ फ्री में केस लड़ने तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब सबके समाज की बात है, सब प्यार है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि ऐसे मामले में भी पैसा कमाने का करते, देखिए हम सबसे आप ये अपील करें, बिल्कुल बिल्कुल हम सबसे अपील करते हैं भी, किसी को कोई अपील करते हैं कि कोई ऐसे पैसे ना डाल ले, अगर उनके पेरेंट्स खुद आगे आएंगे तो उनकी मदद कीजिए, ऐसे कोई अपील ना करे। बिल्कुल बिल्कुल रोड महासभा तन मन धन से साथ खड़े, पूरा समाज साथ खड़ा है, पूरी रोड बरादरी, पूरा करनाल शहर साथ खड़ी है, छत्तीस बरादरी साथ खड़ी है, ये कोई एक समाज की बात नहीं है। और अगर उनको कोई एडवोकेट की जरूरत होगी, कोई होगी, तो पूरा करनाल बार एसोसिएशन साथ खड़ा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़े हैं, कोई किसी के बहकावे में ना आए, ना कोई पैसे के चक्कर में बहकावे में आए। तो हम सबसे अपील करते हैं कि भाई इसकी जस्टिस के साथ दे, इसके वो अपना पुलिस को अब तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाई, तो समाज क्या करेगा सर, भटकाव में है। हमें अभी खुद नहीं पता कि हुआ क्या है, तंत्र मंत्र हुआ है, चाची ने हत्या की है, किसने किया है, हो सकता है जिन्होंने कुछ ना किया हो वो अंदर हो, तो मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। पुलिस को जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए, और पुलिस ने अगर जल्दी संज्ञान नहीं लिया तो पूरा का पूरा समाज, समाज का मतलब रोड समाज नहीं है, ये साढ़े चार साल का लगता रोड समाज नहीं है, देश है, सारा देश है, सारा देश इसके साथ खड़ा होगा। और चाहे हमें धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, कुछ ना पड़े, उसको न्याय हम दिलवा देंगे। पूरी काम कर रही है ईमानदारी, नहीं पुलिस 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 ईमानदारी से काम, इतने दिन थोड़े लगते हैं पुलिस को, जब घर का मामला है, पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाई। पता की प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दबाजी में अगर राजेश और उनको अगर आरोपी बना दिया जाता है, बाद में अगर कोई और आरोपी निकलता है, वो जल्दबाजी होती है। मीडिया साहब, 5 दिन पुलिस के लिए बहुत होते हैं, 5 दिन नहीं 6 दिन हो गए, बहुत होते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, 6 महीना नहीं लगता इसमें। और ये गाँव का मामला, एक छोटी सी जगह का मामला, ये वहाँ बहुत SP के पास पहुंचे हैं हम, तो आज अल्टीमेटम देंगे SP साहब को, आज शाम तक या तो चीज को क्लियर करो, नहीं तो कानून को अगर हमने अपने हाथ में लेना तो उसको भी हम ले लेंगे, हम घबराएंगे, हमने इससे पहले भी ये काम करेंगे, क्योंकि ये बच्चा मतलब आत्मा रोकती है ये, अगर इसके लिए मैं किसी को मुझे खून करना पड़े ना तो मैं खून कर दूंगा, फांसी पे SP जाए मुझे फांसी पे चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप सब मीडिया के लोग हैं, मौजूद है, समाज मौजूद है, हम भगवान को मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन भगवान के नाम पे तांत्रिक विद्या का जो ये आजकल चला हुआ है, कृपया आप इसके खिलाफ भी आवाज उठाइए, क्योंकि इसके कारण एक बच्चे की जान गई, आज पता नहीं कितने बच्चों की बलि दी जाती होगी, ये तो मामले हमारे सामने भी नहीं आते। तो हम भगवान को मांगना मानना चाहिए, सब मानिए, अच्छी तरह मानिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन उनके नाम पे ऐसे गलत काम ना कीजिए। आज एक घर का बच्चा गया, कल किसी और का भी जा सकता है, तो मैं तो कहता हूँ तांत्रिक विद्याओं से इनसे दूर रहिए। लगता है इस हत्याकांड में भी तांत्रिक बाबा, देखिए जो अब बातें तो आ रही है, कुछ हो सकता है उठ के जैसे आ रही है, बिल्कुल चैन बढ़ जा रही है, अंधविश्वास है ये किस्म का, जो हम नहीं मानना चाहिए, भगवान है, भगवान सबके लिए एक है, तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और मैं भी कहता हूँ समाज से, आप सबसे, कि इसके खिलाफ आवाज उठाइए और इस बच्चों को इंसाफ दिलवाइए।